हेलो दिस यूजी व्लॉग्स बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं आ गया हूँ आज कुछ लेके नया कानपुर में। मैं हूँ लश 360 में, जो कानपुर में नया खुला है। आप लोग के लिए लेके आया हूँ मैं लश 360, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था ऑफिस ऑफिस के वगैरह, लेकिन आज मेरे को फाइनली टाइम मिल गया है संडे, तो मैं आया हूँ लश। तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ लश 360 क्या है, क्या दिखने में कैसा क्या है, तो जुड़े रहो मेरे साथ और फिर देखो धीरे 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 करके पूरा लश 360। मैंने कर दिया है अपना ऑर्डर, मेरी कॉफ़ी और वड़ा पाव। वड़ा पाव मैंने देखा था, वड़ा पाव, तो मैंने कहा यहाँ वड़ा पाव मंगा लिया। और दो तीन चीज़ें और हैं, चलिए आपको इकट्ठा दिखाते हैं क्या क्या है। एक जगह ये मिला है, इसको टेबल में रखेंगे तो ऑर्डर आएगा, ये कुछ अलग ही है। और मैं जा रहा हूँ फोटो क्लिक करवाने, तो इसका ख्याल रखना इसको कुछ हो ना जाए। तो ये है एंट्रेंस यहाँ पर, और ये भी कुछ है पिकअप करके, एंड ऊपर भी है। तो ऊपर तो आज पार्टी चल रही है तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। बहुत ही लेकिन अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, देखिए बहुत ही ऊपर अच्छा लग रहा है। और ये है लश 360 यहाँ पर बना हुआ है, तो कॉफ़ी आ चुकी है, तो मैं फोन यहाँ पर रख देता हूँ और फिर मैं आपको वार्तालाप सब डिटेल में दिखाता हूँ। ये है मेरी कॉफ़ी, इतना ही है बस, यही साइज़ है इसको। मैं ज़्यादातर मैंने देखा तो ये बड़े बड़े कपड़े आती है, बट यहाँ पर बहुत ही छोटा नॉर्मल साइज है, बट ठीक है, ज़्यादा रेट हाई भी नहीं है, नॉर्मल रेट में आपको क्या चाहिए। तो टेस्ट वाइज भी ठीक है, बढ़िया है, अच्छी लगी, फ्रेश है, ठीक है। और एम्बियंस की बात करें तो एम्बियंस मस्त है, आपको पार्टीज वार्टीज करनी अगर बर्थडे वर्थडे करना तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, आप ऊपर पूरा बुक करके कर सकते हो। और अंदर बैठने बैठने कपल कपल्स के लिए बैठने के अलग से आप वहाँ बैठ सकते हो। मैं तो यार देखो इधर आया था तो फोन से यहाँ बैठ सकता हूँ, पर कपल कपल्स अगर आपको जाना है थोड़ा ही तो आप अंदर बैठ सकते हो, अंदर भी ए सी रूम से, आप प्राइवेट नहीं कहोगे बट हाँ कपल्स के लिए बैठ सकते। ये हैं हमारे नूडल्स, ये लश की तरह है, तो बिल्कुल लश की तरह दिख रहा है, सेम दिख रहा है, कुछ फर्क नहीं है लश और इसका मेरे लग रहा टेस्ट सेम है। बाकी सेल्फ पे आप जाके ऑर्डर दे दो, डोमिनोज जोमेटो की तरह डोमिनो कैफे पर आप जाके ऑर्डर दे दो, फिर वहाँ से आके ले लो, ऐसा ही है। और ये हमारा वड़ा पाव आ गया है, ये कुछ अलग मुझे को मेन्यू में दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो वड़ा पाव ट्राई करते हैं, बहुत कुछ अलग अलग ट्राई किया, आपको ये भी मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो मैं आपको ये बारे में बताऊँ कुछ नया अलग दो है। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ हमारे नूडल्स को, ट्राई करके देखते हैं कैसे हैं, जिसके बाद वड़ा पाव का नंबर आएगा। बर्तन गिर गए, कोई दिक्कत नहीं। वो चेयर बहुत भारी है यहाँ की, तो जब भी हो तो बॉडी थोड़ी करके हो। तो मैं जा रहा हूँ बड़ा पाव खाने, बर्गर लग रहा है, मिर्चे तुमसे एलर्जी है तो मिर्चे कहीं बाढ़ एंड देन ये डंडी भी गई बाहर दांत निकालने के बाद। चलिए ट्राई करते हैं, चटनी नहीं दिया दे। कुछ है नहीं, एक को मिर्ची इतनी हपक के ऊपर से ये पूरा पैक करा लो, तो मित्र तुम मिर्ची इतनी हपक के बड़ा पाऊँ ऊपर से इतना बकवास, कुछ बिल्कुल खाली कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ खा ही नहीं उसमें, बड़ा के नाम पे घड़ा, तो दिमाग खराब हो गया, मेरे सर में दर्द होने लगा। भाई यहाँ पर वड़ा पाव मत खाना, अगर मिर्ची खा रहे तो खाना, लेकिन सादा है भाई, फंसेगा गले में आपके, आपको पानी की बोतल मंगानी पड़ जाएगी दो तीन, बेकार था वड़ा पाव।
तो ये है लेफ्ट का आउटर एरिया। तो यहाँ पर आपको पीछे पार्टीज हो रही है मेरे, और एक सिटिंग एरिया है, दो सिटिंग एरिया है, मतलब एक सिटिंग एरिया ये रहा, ये है, और एक इधर है। तो यहाँ पर आप बैठ सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप अकेले बैठोगे या प्राइवेटली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो भी लोग बैठेंगे। तो हाँ, अगर आपको अंदर बैठना है अंदर बैठो, बाहर बैठना है तो बाहर बैठो, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ बैठना है बैठो। बाकी टेस्ट करें तो टेस्ट नॉर्मल है, वड़ा पाव मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया खाने, बिल्कुल भाई टेस्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो आप लोग प्लीज़ वड़ा पाव मत ट्राई करना। हाँ, अगर आपको ट्राई करना है कुछ न्यू के लिए तो आप कर सकते हो, वरना नहीं। तो मैं ये 10-30 मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और बस ऐसे ही है, नॉर्मल ठीक है, अच्छा है, लेकिन जितना देखा तो उससे खास है, लेकिन हाँ ठीक है। मैं अभी कंफर्म कर दूँ यार, बर्थडेज के लिए ऊपर बुक कर सकते हैं, जो पर पर्सन चार्जेस 500 है, और डेकोरेशन का 3000 है, और 500 पर पर्सन मतलब अनलिमिटेड फूड। तो आप भी बुक कर सकते हो बर्थडेज पार्टी यहाँ पर, और अमेजिंग कर सकते हो यार, डेकोरेशन देखिए मेरे को बहुत बढ़िया लगी, और ऊपर बैठ के तो मेट्रो में मेट्रो भी देखते रहो, सब कुछ देखते रहो, मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं अब लश के थोड़ा पीछे साइड, तो मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पर है फाउंटेन एज लश के सेम की तरह, और कुछ झूले बच्चों के लिए, बच्चों को झूलना है झूला, तो यहाँ आ जाओ ब्रो, मेरे को झूलने देंगे नहीं देंगे। तो यार मैं हूँ यहाँ पर बैक साइड, यहाँ फाउंटेन थे और यहाँ पर है झूले वूले कुछ, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और भी पीछे जगह वगैरह। मॉर्निंग में आओगे तो थोड़ा टहल वहल भी लोगे कि गार्डन एरिया है, बाकी रात में सब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है, तो जाने को फायदा नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक लाइक और सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को देखना मत भूलिए, उसी ब्लॉग वेट करो मैं नेक्स्ट ब्लॉग को, और मैं कुछ नया और बढ़िया लेके आऊँगा। थैंक यू।